बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक्सरसाइज 2.2 और लास्ट लेक्चर है इसका। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 को एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है यूजिंग वेन डायग्राम्स इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट इक्वल टू फॉलोइंग। तो हमें कुछ पार्ट्स इसमें गिवन है, 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। उनको वेन डायग्राम से शो करना है, तो मैं सबके सब पार्ट्स यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। पार्ट नंबर 1 है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट हमने वेन डायग्राम के ज़रिए शो करना है। तो वो किस तरह से हम शो करते हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट को हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप के साथ आ जाएगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट हो गया। उसके बाद उसके अंदर हम ड्रॉ कर लेते हैं ए सेट को, यानी कि सर्कल के साथ ए सेट को शो कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, यू माइनस ए को शो करना है। यू माइनस ए क्या होता है, मतलब कि यू का वो पार्ट जो कि ए का पार्ट ना हो। तो हम ऐसा करते हैं कि इस कलर से मैं शो कर देता हूँ, ठीक है। यू का वो पार्ट जो कि ए का पार्ट ना हो, तो ये ऐसा पार्ट है यू का जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, जो कि ए, यानी कि ए के अलावा बाकी यू का पार्ट हम शेड कर देते हैं। तो यू माइनस ए बन जाएगा, जो कि ए कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा होगा, ठीक है। तो ये पार्ट बनता है यू माइनस ए ये, ठीक है। इस तरह से ये कुछ बनेगा। तो ये है जो ब्लू कलर से शेड किया गया है, वो है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं, सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा गया, सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है ए इंटरसेक्शन यू। ए इंटरसेक्शन यू को हमने शो करना है वेन डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो पहले तो हम यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगुलर फिगर के थ्रू, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल सेट है, तो इसको मैं एग्जैक्टली अगर बनाना चाहूँ रेक्टेंगल, तो ये बनता है, ठीक है। ये हो गया यू। उसके बाद हम इसमें ए को ड्रॉ कर लेंगे, यानी कि उसका ए बाकी सब सेट जो हैं इसके सबसेट्स होते हैं यूनिवर्सल सेट के, तो इसके अंदर लाइक करेगा ए। तो इस तरह से ये ए हो गया। अब इसको भी मैं एग्जैक्टली अगर सर्कल बनाना चाहूँ तो ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये हो गया ए सेट। अच्छा, ये यूनिवर्सल सेट है और ये सर्कल में ए सेट है। अब हमने फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन यू, यानी कि यू और ए में जो कॉमन रीजन है, जो ए में भी आ रहा है और यू में भी आ रहा है, लेकिन दोनों का कॉमन रीजन हो, ठीक है। वो कौन सा रीजन होता है, वो ये रीजन बनेगा, ये है यू इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन यू, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट है ए यूनियन यू। ए यूनियन यू भी देख लेते हैं किस तरह से हम शो कर सकते हैं। ए यूनियन यू जो कि थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगुलर फिगर से। उसके बाद उसके अंदर ए हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ए सेट। अब ए यूनियन यू मतलब कि ए भी और यू भी दोनों सेट्स आने चाहिए, तो कौन सा बनता है, इस सारे सेट को हम हाईलाइट कर देते हैं,
तो ये सारे का सारा ए भी आ गया इसमें और यू के भी एलिमेंट्स आ गए इसमें, ठीक है। तो ये सारा का सारा रीजन बन जाता है ए यूनियन यू। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट इसका जो है ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई मतलब कि लेट्स सपोज अगर ये ए सेट है इसका फाई के साथ, फाई को हम किसी भी फिगर से रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है, फाई क्योंकि उसके अंदर कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, एम्प्टी सेट होता है वो, ठीक है। तो उसका यूनियन फाई के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए ही आएगा क्योंकि फाई में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। ए के एलिमेंट्स प्लस फाई के एलिमेंट्स दोनों को लिखा जाए, फाई में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, इसलिए ए का ही सेट हमें रिजल्ट में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। अगर इसके बाहर यू का सेट भी ड्रा करना है तो वो रेक्टेंगुलर में ड्रा कर सकते हैं, ये यू होगा यूनिवर्सल सेट। अच्छा, अब उसके बाद क्या है नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर फाइव है। पार्ट नंबर फाइव में हमें कहा गया फाई यूनियन फाई मतलब के एम्प्टी सेट का यूनियन एम्प्टी सेट के साथ, तो इसको हम वेन डायग्राम से शो नहीं कर सकते, ठीक है। तो या फिर इंटरसेक्शन भी हो इसका फाई इंटरसेक्शन फाई, इसको भी हम वेन डायग्राम से शो नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें दो पार्ट्स गिवन हैं और हमें कहा गया है कि हमें इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। तो उन इक्वेशंस को हमने वीन डायग्राम से वेरीफाई करना है। तो एक इक्वेशन है ए माइनस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसको हमने वीन डायग्राम से वेरीफाई करना है, तो इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, बल्कि ब्लू कलर ले लेते हैं, चलें। अच्छा, ए माइनस बी लेफ्ट साइड को पहले लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए माइनस बी, इसको वेन डायग्राम से बना लेते हैं। वेन डायग्राम में किस तरह से प्रेजेंट करेंगे हम, सबसे पहले बनेगा यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगुलर फिगर से, उसके बाद ए और बी बेशक आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ले लें, चाहे ओवरलैपिंग ले लें या डिसजॉइंट सेट्स ले लें, ठीक है, तो आंसर हमेशा सेम ही आएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं, इस तरह से मैं ए सेट ले रहा हूँ और इसको ऐसा करते हैं कि डिसजॉइंट सेट्स ले लेते हैं पहले, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट है, ए और बी दो डिसजॉइंट सेट्स हैं जो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं लेकिन एक दूसरे से दूर हैं, ठीक है। तो ये हो गया, अब ए माइनस बी हमने फाइंड करना है। तो ए माइनस बी किस तरह से आएगा, ए के वो एलिमेंट्स जो बी में मौजूद ना हो, जब है डिसजॉइंट तो फिर ये ए में कोई भी बी का एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो इस तरह से a माइनस बी सिर्फ a का सेट ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया रिज़ल्ट a माइनस बी का लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर, राइट हैंड साइड में क्या है a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट आएगा जो कि रेक्टेंगुलर फिगर से हम बनाएंगे, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। उसके बाद ए सेट वही कॉन्फ़िगरेशन अब रखनी है, ठीक है, जो पहले में ली है लेफ्ट हैंड साइड में डिसजॉइंट सेट्स वाली, ये ए सेट है ये बी सेट है, ठीक है। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट को मैं डिफरेंट कलर से ड्रा करूँगा, बी कॉम्प्लीमेंट लेट्स सपोज मैं ले लेता हूँ येलो कलर से, तो बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा बनेगा, बल्कि हम इसको लाइन से शो कर देते हैं, कलर डिफरेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, क्या होता है यू माइनस बी, मतलब के यू में से बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इज इक्वल टू यू माइनस बी, यू में से हमने बी के एलिमेंट्स को निकाल देना है, मतलब के बी का जो रीजन है वेन डायग्राम की अगर बात की जाए तो बी का रीजन यू में से निकाल दो, मतलब के इस रीजन के अलावा यू बाकी सारा आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा ये सारा रीजन आ जाएगा बी के अलावा, ठीक है, ये बन गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब उसके बाद उसका यूनियन लेना है ए के साथ,
ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये जो ऑरेंज कलर से मैंने शो किया है ये शो कर रहा है बी कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। इसका यूनियन लेना है हमने किसके साथ, ए के साथ, मतलब के ये ए रीजन है, ठीक है, और इसका इसी के साथ हमने लेना है यूनियन, तो यही वाला रीजन वापस आ जाएगा, ठीक है। तो क्या ये रीजन शेडेड रीजन, इसको मैं दोबारा से उसी कलर से शेड कर देता हूँ, इस कलर से जो कि रीजन हमारे पास आया है। लाइट ब्लू कलर से जो मैंने शो किया रीजन, ये वो रीजन है राइट हैंड साइड का, ठीक है, यानी कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। तो क्या ये रीजन और ये रीजन इक्वल हैं, एक जैसे हैं? नहीं, इसमें सिर्फ ए आ रहा था, इसमें यूनिवर्सल सेट भी आ रहा है और ए सेट भी आ रहा है, ठीक है, और बी के अलावा आ रहा है, तो ये दोनों रीजन सेम नहीं है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये इक्वल कब होंगे, जब अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन होता, ठीक है। तो इसको हम इंटरसेक्शन के केस में देख लेते हैं, इंटरसेक्शन किस तरह आएगा। अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, इसके ऊपर मैं लिख लेता हूँ ये क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमने ड्रॉ किया था। अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट है और ये हमने ए सेट लिया, ये बी सेट लिया, और इन दोनों के अब हमने क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी, यू माइनस बी क्या आएगा, इसको हम ऐसे करते हैं कि डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर लेते हैं, येलो से। ये रीजन बनता है बी कॉम्प्लीमेंट का, यानी कि बी के अलावा बाकी यू का जो बाकी सारा पार्ट है वो आ जाएगा इसमें, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट में। अच्छा, उसके अलावा जी अब उसका इंटरसेक्शन लेना है हमने ए के साथ, मतलब कि ये जो येलो वाला रीजन है उसका ए के साथ अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो कौन सा रीजन बनता है, सिर्फ ए का रीजन, क्योंकि उसमें और ए में सिर्फ ए ही कॉमन आता है, ठीक है। तो अब वो रीजन बन रहा है, देखें ये वाला रीजन जो हमने शुरू में देखा था जिसमें सिर्फ ए हाईलाइट किया गया था, इसमें भी सिर्फ ए हाईलाइट किया गया है, रिजल्ट आया, ठीक है। तो ये दोनों केसेस सेम है, मतलब कि अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर हमारे राइट हैंड साइड के ऊपर इंटरसेक्शन होता यूनियन की जगह तब वो हम वेरीफाई कर सकते थे, मतलब कि ए माइनस पी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, ना कि ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इससे हमने ये वेरीफाई किया। तो अब हम आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है, जो इक्वेशन दी गई है, ए माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, बल्कि नहीं, ए माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट और उसके साथ उसका इंटरसेक्शन है बी के साथ, इंटरसेक्शन विद बी इज इक्वल टू बी। अब ये हमने चेक करना है, ठीक है। तो इसमें हम ऐसा करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं यूनिवर्सल सेट, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड, मैं पहले ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए सेट हो गया और ये बी सेट हो गया। अब सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ए माइनस बी, ए माइनस बी में क्या आएगा, ए का वो रीजन जो कि बी में मौजूद ना हो, तो ए बिल्कुल डिसजॉइंट है, उससे अलहदा है, तो ए पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है, ए माइनस बी ये आ गया। तो इससे मैं बता भी देता हूँ कि ये जो है ए माइनस बी को शो कर रहा है। उसके अलावा फिर उसका होल कॉम्प्लीमेंट है, मतलब U में से वो वाला रीजन निकाल देना जो हमारा पहले रिजल्ट आया A माइनस बी का, ठीक है। तो U में से वो रीजन हम निकाल देते हैं, उसको मैं डिफरेंट कलर से
कर देता हूँ, ठीक है। ग्रे कलर ले लेते हैं, ये बन जाएगा यू माइनस ए माइनस बी, ये सारा रीजन आ जाएगा, ठीक है। तो ये रीजन मैं जो ग्रे से शो किया वो क्या है, ए माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, या फिर उसे कह सकते हैं यू माइनस ए माइनस बी है ये, ठीक है। अब देखें तो अब हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है, ये जो पूरा रीजन आया है ग्रे कलर वाला उसका इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ। बी के साथ इंटरसेक्शन लें तो सिर्फ बी ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बी ले लेता हूँ, ग्रे वाले रीजन का बी के साथ इंटरसेक्शन लें तो सिर्फ बी ही आएगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये है बी। अच्छा अब देखें राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड बी है हमारी, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट में भी बी ही आया है, मतलब कि हमने जो इस कलर से शो किया वो क्या था, लेफ्ट हैंड साइड है, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट और उसका इंटरसेक्शन लिया बी के साथ जो कि बी के इक्वल आया है, तो इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बी है, ठीक है। तो यहाँ से हम वेरीफाई कर चुके हैं वेन डायग्राम से ए माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी होता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.2 के, वेन डायग्राम से रिलेटेड था सब, ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट और बाकी जो है वेन डायग्राम से हमने इन सब को शो किया। तो यहाँ पर हम हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट होती है और इस लेक्चर को भी हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज 2.3 के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे उस, और यहाँ पर हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं।